हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। सैमसंग ने सिर्फ 9000 में एक कमाल का डिवाइस लॉन्च किया है जो कि है सैमसंग M01। तो इसी डिवाइस को इस वीडियो में करूंगा अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ इस फोन से जुड़े सारे स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को देखते रहिए, चैनल पे नया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कुछ इस तरीके से हमें सैमसंग M01 का बॉक्स नज़र आता है और साथ ही साथ यहाँ पे इसी फ़ोन का ऊपर लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे बॉक्स के ऊपर सैमसंग का ब्रांडिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फ़ोन जो है कमाल के स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है, 9000 के डिवाइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशंस के साथ सैमसंग M01 ऑफलाइन मार्केट में सैमसंग ने लॉन्च किया है। और यहाँ पे बॉक्स में इस फ़ोन के रैम के बारे में लिखा गया है 3GB रैम है और साथ ही साथ 32GB स्टोरेज है। तो चलिए इसी सैमसंग M01 को यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या कुछ इस फ़ोन के साथ प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे ही इस बॉक्स के ऊपर को यहाँ पे डब्बे को खोलते हैं कुछ इस तरीके से हमें फ़ोन देखने को मिलता है प्रोटेक्शन के साथ में जो रेड कलर में है। बाकी यहाँ पर एक सेक्शन दिया गया है, इस सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पर कुछ सैमसंग की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड और बाकी क्या कुछ दिया गया है। इसमें एक अडोप्टर दिया गया है, इस अडोप्टर के आउटपुट के लेकर बात करूँ तो यहाँ पे 5 वोल्ट एंड 1 एम्पियर का एक बेसिक से अडोप्टर इस फ़ोन के साथ हमें दिया गया है और बाकी यहाँ पे आपको एक माइक्रो USB केबल दिया गया है। बाकी चलिए इसी M01 को इसी प्रोडक्शन से निकालते हैं और रेड कलर में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक्स के साथ ये डिवाइस आता है। वैसे में इसमें 3 कलर है, ब्लैक, ब्लू और साथ ही साथ रेड। और यहाँ पे मुझे जो खास सा डिवाइस लगा वो यहाँ पे रेड कलर में लगा। जी हाँ, M01 यहाँ पे देख सकते हो ज़बरदस्त कलर के साथ में ये डिवाइस आता है। खास करके ये जो रेड है मुझे काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगा, इसीलिए आप लोगों के साथ इसी रेड को यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। पीछे का लोग जो लुक से काफ़ी शानदार है और इस फ़ोन का पीछे का जो बॉडी है वो यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट का मिलता है, यानी प्लास्टिक का बैक और साथ ही साथ प्लास्टिक फ्रेम के साथ ये आता है। ड्यूल रियर कैमरा, LED फ्लैश दिया गया है सैमसंग का ब्रांडिंग और नीचे यहाँ पे स्पीकर ग्रिल इस फ़ोन का देखने को मिलता है। बाकी जो लुक्स डिज़ाइन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसमें जो आपको इस फ़ोन का वेट है वो 168 ग्राम है। इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे पावर बटन के ऊपर यहाँ पे हमें सिम ट्रे नज़र आता है जो सिम ट्रे है ट्रिपल स्लॉट है। बाकी यहाँ पे ऊपर 3.5mm ऑडियो जैक नज़र आता है और इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर, नीचे यहाँ पे प्राइमरी माइक्रोफोन और माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। ओवरऑल बात करूँ इस फ़ोन के लुक्स, डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में फ़ोन 9000 के डिवाइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। एक कमी यहाँ पे डेफिनेटली आपको नज़र आएगा, इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा, ना ही पीछे दिया गया है और ना ही डिस्प्ले में। वैसे में जो फ़ोन का वेट है डेफिनेटली परफेक्ट है और 100 फ़ोन है। जो साइज़ है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा फ़ोन का। और बाकी चलिए यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। और अगर बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले को लेकर, जो डिस्प्ले साइज़ है थोड़ा सा छोटा है, 5.7 इंचेस का यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है, 77.5% यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। HD+ रेजोल्यूशन के साथ में यह डिस्प्ले आता है 720x1520 का पिक्सल्स देखने को मिलेगा, 19:9 का यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो है और जो यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी मिलता है 295 PPI है। बाकी इसमें आपको जो डिस्प्ले टाइप मिलता है वो यहाँ पे PLS TFT का डिस्प्ले उपयोग किया गया है। जो डिस्प्ले साइज़ है थोड़ा सा छोटा है, 5.7 इंचेस का है। बहुत लोगों को बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो डेफिनेटली इस फ़ोन में आपको नहीं मिलेगा 5.7 इंचेस का, लेकिन बहुत लोगों को ये जो डिस्प्ले है छोटा साइज़ का 5.7 इंचेस का अब बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ में भी आता है। तो प्राइस के हिसाब से जो भी इस फ़ोन में डिस्प्ले दिया गया है अच्छा दिया गया है। बाकी अगर बात करें इस फ़ोन के परफॉर्मेंस को लेकर, जो इसमें रैम दिया गया है 3GB रैम है, 32GB स्टोरेज। बाकी इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगाया गया है, 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बना हुआ है। जो चिपसेट है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है 439। बाकी इसमें आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है यहाँ पे One UI 2 मिलता है, एंड्रॉयड 10 के साथ में ये डिवाइस आता है और जो GPU है Adreno 505 का, यानी 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, GPU Adreno 505, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है कॉर्टेक्स F53, बाकी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का चिपसेट, एंड्रॉयड 10 के साथ में। जो इस फ़ोन में परफॉर्मेंस होगा काफ़ी अच्छा रहेगा, गेमिंग के मामले में भी अच्छा खासा इस फ़ोन में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस चिपसेट के साथ में।
और अगर बात करें इस फोन की सिक्योरिटी को लेकर, तो इसमें आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है इस फोन के साथ में। पिन पैटर्न के अलावा यहाँ पे फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सेटअप कर दिया है। चलिए देखते हैं परफॉर्मेंस क्वालिटी कैसा है। फिंगरप्रिंट इस फोन में मिसिंग है और बाकी फेस अनलॉक बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, काफ़ी तेज़ी तरीके से फ़ोन अनलॉक हो रहा है डेफिनेटली। तो फेस अनलॉक इस फोन में डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर बात करूँ इस फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर, तो इसमें आपको जो बैटरी दिया गया है वो यहाँ पे 4000 mAh का बैटरी दिया गया है 10W चार्जिंग से सपोर्ट के साथ में। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है नहीं दिया गया है 10W चार्जिंग, तो 4000 mAh का बैटरी काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप दे देगा, फुल डे बैकअप होगा। अगर बात करूँ इस फ़ोन की कैमराज को लेकर, जो इसमें प्राइमरी कैमरा दिया गया है वो यहाँ पे 13 MP का प्राइमरी कैमरा है, अपर्चर f2.2 के साथ में आता है। और जो दूसरा कैमरा पीछे है वो 2 MP अपर्चर f2.4 के साथ में आता है, डेप्थ सेंसर के लिए यानी बोके इफेक्ट के लिए। बाकी इसमें तरह तरह के ऑप्शन आपको कैमराज के मामले में देखने को मिल जाता है। फ्रंट फेसिंग जो कैमरा इस फोन में है 5 MP का है, यहाँ पे क्वालिटी देख सकते हो, ज़बरदस्त क्वालिटी प्रोवाइड करता है। जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है 5 MP अपर्चर f2.2 के साथ में आता है, यहाँ पे आपको नेचुरल फोटोज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। लो लाइट में भी अच्छा खासा यहाँ पे डेफिनेटली इस फोन के साथ कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगा। बाकी रियर कैमरा देख सकते हो, जो पीछे का कैमरा है 13+2 MP का रियर कैमरा है और अच्छा खासा डिटेल डेफिनेटली ये इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। 9000 के डिवाइस के हिसाब से देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा दिया गया है इस फोन में। तो यही था दोस्तों सैमसंग M01 का अनबॉक्सिंग और इस फोन के बारे में। प्राइस जो है 9000 है, 8999 rupees इस फोन का एग्जैक्ट प्राइस है। तो प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन लगा। अगर बात करूँ इस फोन के लुक्स डिज़ाइन को लेकर, कैमरा फीचर्स भी अच्छा दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का चिपसेट है, 5.7 इंचेस का यहाँ पे HD+ रिजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले दिया गया है, 4000 mAh का बैटरी। तो ओवरऑल बात करूँ इस फ़ोन को लेकर, प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा डिवाइस लगा। लेकिन यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा सा यहाँ पे आपको कमी हो सकता है नज़र आए, लेकिन ओवरऑल 9000 के डिवाइस के हिसाब से मुझे सैमसंग M01 काफ़ी अच्छा डिवाइस लगा। वैसे में ये फ़ोन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस फ़ोन को लेकर कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो नीचे कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही मैं हमेशा अनबॉक्सिंग वीडियोस लाता रहता हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।